नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अभी तक इस मामले को लेकर साफ नहीं हो पाया है कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या की गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई की टीम कर रही है, वहीं ईडी और एनसीबी भी जांच में जुटे हुए हैं। इसी बीच बीजेपी नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाया है कि सुशांत की हत्या में उनका हाथ है। नारायण राणे ने कहा कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का हाथ है। उद्धव की दशहरा रैली केवल अपने बेटे आदित्य को क्लीन चिट देने के लिए थी। दिशा सालियान और सुशांत सिंह की हत्या की जांच अभी जारी है, लेकिन उद्धव अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर बेटे को क्लीन चिट देने में लगे हैं। जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और पता चलेगा कि सुशांत की हत्या किसने की और किसने दिशा सालियान के साथ दुष्कर्म किया। यहां आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता नारायण राणे का ये बयान तब आया है जब 2 दिन पहले दशहरा रैली के दौरान शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था, कुछ लोगों ने बिहार के बेटे के लिए महाराष्ट्र के सभी बेटों को बदनाम करने की साजिश की। इन लोगों ने मेरे बेटे आदित्य का भी तिरस्कार किया। ये जो भी कहें उसे अपने तक रखें, हम साफ हैं। अब उद्धव के इसी बयान पर बीजेपी नेता नारायण राणे ने पलटवार कर बड़ा जुबानी हमला किया है। बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही नारायण राणे कह रहे थे कि उनकी हत्या हुई थी। उनका ये भी कहना था कि सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले से उनको धमकियां मिल रही थी। वहीं सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान को लेकर नारायण राणे ने कहा था कि 8 जून को हुई पार्टी में उसके साथ रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। बहरहाल देखने वाली बात तो अब ये होगी कि सुशांत मामले को लेकर सीबीआई कब तक खुलासा करती है। वैसे बीजेपी नेता नारायण राणे के बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।